नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे इतने गंभीर मुद्दे पे दुबई से रिलेटेड। जी हाँ साथी, इन एजेंटों की इतनी गंदे और इतने क्या बताएं भाई, इनके तो गाली जितने देना उतने ही कम है। इतने हरामी है ये, आज की बात नहीं है। एजेंट जब नाम आ जाता है दलाल, तो दलाल शब्द किसको बोलता है? वो दलाली के लिए अपने घर वालों के साथ भी दलाली का सौदा कर सकता है, इतने गंदे नीचे। एक बार मैं बता दूं, एक आदमी की अपने 14 साल कितने होते हैं यार, एक आदमी 2006 में दुबई गया है, जी हाँ, जो 2020 में अब इंडिया पहुंचा है, वो भी लोगों की हेल्प की वजह से। पूरा माजरा क्या है, पूरी हम डिटेल से बात करेंगे। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करें, फेसबुक पेज वाले भाई पेज को फॉलो करके रखें, ताकि गल्फ कंट्री से रिलेटेड रोज आपको नए अपडेट मिलते रहे। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। जी हाँ, तेलंगाना का स्वामीनंदम, जी हाँ साथियों, पर एक गरीब किसान का बेटा, एक अनपढ़ आदमी 2006 में दुबई एयरपोर्ट पे उतरता है। किसी कंपनी के थ्रू वो गया था। जैसे एयरपोर्ट से बाहर निकलता है, एक एजेंट उसको मिल जाता है, उसका पासपोर्ट ले लेता है, ठीक है, और उसको कोई जॉब वॉब नहीं देता। पासपोर्ट लेके पहले पता आपको मुंडी काट के दूसरे की फिट करके विदेश में जाना ये होता था। तो उसने कोई, हो सकता है कोई कोई उसी की मतलब गंदा आदमी होगा जिसने क्राइम कर रखे होंगे, कोई भी रीजन होगा, तो उसका पासपोर्ट लेके उसने गलत इस्तेमाल करके उस पासपोर्ट से दूसरा बंदा अपने इंडिया आ गया। जी हाँ, ऐसा बाकायदा रिकॉर्ड में है, ये मैं नहीं बता रहा हूँ। 14 साल बाद ये बंदा स्वामीनंदम इंडिया अभी आया है। इसने पूरी स्टोरी बताई कि एजेंट ने मुझे ऐसे ऐसे फिर कोई जॉब नहीं दिया, 14 साल तक मैं यहाँ भटकता रहा, प्लम्बर का काम भी किया, इलेक्ट्रिशियन क्या किया, लेकिन मुझे किसी ने कुछ दिया नहीं, क्योंकि पासपोर्ट नहीं था, वीजा नहीं था, कोई ये पूरा इलीगल था। अब सोचने की बात ये कि 14 साल तक पुलिस ने भी इसको नहीं पकड़ा, ऐसे ही घूमता था, रोड पे सोना, इधर सोना, उधर सोना, मतलब एक भिखारी की जिंदगी काटना, एक ऐसा ही व्यक्ति की जिंदगी काटना। जी हाँ, लेकिन मैं इंडिया नहीं जा सकता था। कोविड में भी इसको पता चला कि भाई लोग इंडिया जा रहे हैं, लेकिन इसका पासपोर्ट जब इनकी ये किसी के संपर्क में है, तो पता चला कि इस नाम से तो इंडिया जा चुका आदमी, बाकायदा रिकॉर्ड में आ रहा था, एम्बेसी में रिकॉर्ड में आ रहा था, इमिग्रेशन में, कि इस नाम से स्वामीनंदम रुद्रांता के नाम से बंदा जा चुका है 2006 में इंडिया, तो ये कैसे जा सकता है? फिर इंडियन एम्बेसी की हेल्प हुई। मैं हमेशा बार बार बोलता हूँ भाई, अगर आप विदेश में कहीं पर भी रहते हैं, तो हमारे देश की सोसाइटी बनी हुई है, कुछ से हेल्प सेंटर बने हुए हैं, ठीक है, कुछ सोशल वर्कर होते हैं, वो हेल्प करते हैं। तो इनकी हेल्प किसने, तेलंगाना फ्रेंड्स सोसाइटी, जी हाँ साथियों, उसने भी उनकी हेल्प की। इंडियन एम्बेसी का सबसे बड़ा इसमें रोल रहा, आईएससी का भी इसमें बड़ा रोल रहा, कि उन सब ने मिलकर इनके डॉक्यूमेंट फिर यहाँ से छानबीन। आपको पता है पूरा प्रोसेस होता है भाई, ऐसा नहीं कि वो एम्बेसी में पहुंच जाएगा तो सीधा करा जाएगा, नहीं आ सकता, पूरा लीगल तरीके से होगा। उनको वहां पे लाया गया, उनका रिकॉर्ड चेक किया गया, फिर उसने बताया वैसे वैसे उनके गाँव में, फिर संबंधित थाने की पुलिस जाती है, पूरी वेरिफिकेशन करती है कि हाँ ये बंदा इस टाइम से वहां गया था दुबई में, अब तक नहीं लौटा। फिर उसके कोई डॉक्यूमेंट मंगाए जाते हैं, उस डॉक्यूमेंट के आधार पर दूसरा आउटपास बनता है, उसके आधार पर फिर उनको वापस उनके डॉक्यूमेंट, उनका आउटपास लगा के इंडिया की या जिस भी कंट्री का होता है उसको रवानगी दी जाती है। जी हाँ, स्वामीनंदन ने एयरपोर्ट पे अधिकारियों के को हाथ जोड़ के उनको धन्यवाद देते हुए बोला कि 2006 में मैं जब आया था तो मेरे 2 बच्चे थे जो बिल्कुल छोटे छोटे थे। आज उम्मीद है कि जब वो छोटे छोटे थे, 14 साल बाद जा रहे, तो किशोर हो चुके हैं, एवरेज माने तो 18 साल के उनके बच्चे हो चुके हैं। मैं घर जाऊंगा, उनसे मिलने को बड़ा बेताब हूँ, घर जाके खेती करूंगा। यानी आदमी चाहे कितना ही कमा ले, कुछ भी कर ले, लेकिन आना उसको घर ही पड़ता है। घर आता है ना, तो वो फिर किसान है, तो किसानी का ही उसको काम करना होता है, ये स्थिति है। तो ये एजेंटों की करतूत है, इतने हरामी लोगों को। भाई आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो थोड़ा सा देखें, सोचें, समझें, और थोड़ा सा बचें इन चीज़ों से, इन लोगों से। ये किसी को भी कुछ भी कर सकते हैं थोड़े से लालच के लिए, एक थोड़े से लालच के लिए एक बंदे को 14 साल, यानी जवानी में गया बुढ़ापे में ये बंदा वापस आया है, किसकी, एजेंट की गलती की वजह से। लेकिन फिर भी चलो, ये दुबई है तो बंदा घर तो पहुंच गया भाई, अच्छी बात है ये। तो बस ये जानकारी देनी थी साथी, वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।